नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में 20 जून 2022 को प्रातः 9 बजे अमर शहीद मनीन्द्रनाथ बनर्जी के सम्मान में स्मृति दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदर विधायक फरुखाबाद, मुख्य अतिथि शैलेन्द्र दुबे, ऑल इंडिया पावर फेडरेशन के चेयरमैन, वरिष्ठ अतिथि रीना त्रिपाठी, महामंत्री भारतीय नागरिक परिषद तथा इतिहास विदे रामकृष्ण राजपूत रहे। जिला जेल के अधीक्षक भीम सेन मुकुंद, शैलेंद्र सिंह कमांडेंट होम गार्ड्स तथा शहर के अधिकांश गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्रज किशोर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत अमर शहीद मनीन्द्रनाथ बनर्जी के प्रतिमा में माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। इस अवसर पर जेल प्रशासन के बैंड द्वारा श्रद्धांजलि धुन का गान किया गया। स्मृति दिवस के अवसर पर स्मृति स्वरूप जामुन तथा पीपल के पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। संगोष्ठी में बोलते हुए मुख्य अतिथि शैलेन्द्र दुबे ने मनीन्द्रनाथ बनर्जी के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा काकोरी कांड से उनका संबंध बताते हुए सभी को महेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा दिए गए साहसिक कार्य को बताया। मनीन्द्र काकोरी एक्शन में अपने क्रांति गुरु राजेंद्र लाहिड़ी को हुई फांसी का कारण अपने मामा की गवाही मानते थे, इसलिए बदला लेना चाहते थे। अपने दिनांक 13 जनवरी 1928 को जितेंद्रनाथ बनर्जी को गुदौलिया बनारस में अपने पिस्तौल से 3 गोलियां मारकर वध कर दिया। भारतीय नागरिक परिषद के महामंत्री रीना त्रिपाठी ने सभी को बताया कि बनारस में जन्मे और राजेंद्र लाहिड़ी को आदर्श मानकर क्रांति की ज्वाला में आहुति देने वाले बनर्जी का योगदान वाकई इतिहास दूसरा नहीं मिलेगा। स्वाधीनता आंदोलन के सपूतों ने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक का सुचिंतित बलिदान आज़ादी के निमित्त संघर्ष किया। वरिष्ठ अधीक्षक प्रमोद शुक्ला ने बताया, सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत माता के अगणित अमर सपूतों में अग्रणी स्वर्णीय मनीन्द्रनाथ बनर्जी के बलिदान दिवस की 89वीं आवृत्ति पर केंद्र सरकार फतेहगढ़ के शहीद स्मारक स्थल पर एक भव्य स्मृति दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 20 जून 2022 को किया जा रहा है, क्योंकि यही आपको इस मुकदमे में 10 वर्ष की सजा हुई। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में आपने क्रांतिकारी कैदियों से किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध 14 मई 1934 भूख हड़ताल की शुरू की। उस समय क्रांतिकारी मनमंथनाथ गुप्त व यशपाल भी इसी जेल में थे। फतेहगढ़ से रीना त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।